हैकर की तरह बिना रुके हेडशॉट मारना चाहते हो तो तुम सबको ये तीनों टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर तुम इन तीनों टिप्स को फॉलो कर लेते हो ना तो भाई साहब कसम से बोल रहा हूँ, आप सब एक के बाद एक बंदे को बिना रुके हेडशॉट मार पाओगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मुझे पता है दोस्तों, आप सब लोग ना इस टाइम एक ही बात सोच रहे होंगे कि हमारा तो एक भी वन टैप नहीं लगता, तो हम सब लगातार वन टैप हेडशॉट कैसे मार पाएंगे। बात तो सही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बाद आप सब लोग ना एकदम हैकर बनने वाले हो। एंड एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये सब ओनली पीसी के अंदर ही पॉसिबल है, लेकिन नहीं भाई साहब, आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें अपने गेम प्ले पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अपने गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तुम सबको इन तीन टिप्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बाय द वे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, वीडियो पे ओनली 2000 लाइक्स का टारगेट एंड ये छोटा सा लाइक टारगेट आप सबको जल्दी से कंप्लीट करवाना है। तो बिना कोई देरी किए हम चलते हैं अपने पहले नंबर टिप्स की तरफ। तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम बंदों को ये आती है, जब भी वो अपने फायर बटन को ड्रैग करते हैं ना तो उनका एम बंदे के हेड के ऊपर कनेक्ट नहीं होता, उनका जो एम होता है वो एनिमी की बॉडी से ही स्टक होकर रह जाता है। बात तो सही है, लेकिन पीसी के अंदर ना गाइस आप चाहे कितना भी डीपीआई इंक्रीज कर सकते हो, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, और यही कारण है कि पीसी प्लेयर इतनी आसानी से वन टैप हेडशॉट मार पाते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि दोस्तों पीसी के अंदर हाई सेंसिटिविटी होने के कारण उनका जो एम होता है वो कभी भी बंदे की बॉडी से स्टक नहीं होता, लेकिन गाइस मोबाइल के अंदर ये सब नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर हम ना लिमिटेड अमाउंट में अपना डीपीआई को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये बात मेरी सही है कि नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों अगर आप सभी ये चाहते हो कि वन टैप हेडशॉट मारते टाइम आपका एम बंदे की बॉडी से स्टक ना हो, तो आपको अपने गेम का सेंसिटिविटी इंक्रीज करना होगा बाय यूजिंग डीपीआई सेटिंग। और हां दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा डीपीआई यूज नहीं करना है, आप लोगों को अपने डिफॉल्ट डीपीआई के अंदर 100 डीपीआई ऐड करना है, जो कि आप लोगों के मोबाइल के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है। एंड ऐसा करने से आप लोगों का जो बॉडी स्टक का प्रॉब्लम होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सोल्व करना है तो इन तीनों टिप्स को एक साथ फॉलो करना, और दोस्तों फिर देखना आप लोगों के हेडशॉट कितने लगातार लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बाय द वे, हमारा पहला नंबर टिप्स यही था कि आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी के साथ थोड़ा सा डीपीआई यूज करना है, ताकि आप लोगों का जो एम है वो बॉडी से स्टक ना हो। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकंड नंबर टिप्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर तुम सबको लगातार हेडशॉट मारने हैं ना, तो एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए तुम्हें अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज करना होगा। एंड अब वो कैसे करना है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों की एक्यूरेसी ओनली दो चीजों से इंक्रीज हो सकती है, पहला तो आप लोगों का प्रैक्टिस और दूसरा आप लोगों का मूवमेंट। पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस से आप अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो आप लोगों को ट्रेनिंग सेक्शन में आ जाना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को जो ब्लू कलर वाला बॉक्स होता है उसके अंदर आगे खड़ा हो जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो मोड वो एडवांस लेवल पे कर लेना है। तो दोस्तों इस मोड को एडवांस लेवल पे करने का फायदा ये होगा कि आपके सामने जो भी बोट आएंगे वो एक दो सेकंड के अंदर गायब होते जाएंगे, एंड आप लोगों को कम से कम टाइम मिलेगा कि आप लोगों को उनको हेडशॉट मारो, जिससे आप लोगों की एक्यूरेसी एंड हेडशॉट की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। एंड दोस्तों आप लोगों के गेम प्ले में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका मूवमेंट। हां दोस्तों, एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए आपकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब ज्यादा ही मूवमेंट करते हो ना तो आप लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि उस टाइम आप लोगों का जो बुलेट होता है वो काफी ज्यादा रिकॉइल करता है और आप लोग अच्छे से हेडशॉट नहीं मार पाते। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मूवमेंट करना ही बंद कर दो, लेकिन गाइस जब भी आप लोग वन टैप हेडशॉट मारने के लिए ड्रैग करोगे ना, उस टाइम आप लोगों का जो बंदा होता है वो एकदम स्टिल होना चाहिए, एंड आप लोगों को कोई भी अदर बटन नहीं छेड़ना, आप लोगों को सिर्फ ड्रैग के ऊपर ध्यान देना एंड अपनी एमिंग के ऊपर ध्यान देना, जिससे आप लोगों के हेडशॉट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगेंगे। एंड वन टैप हेडशॉट मारने के बाद आप लोग कितना भी ज्यादा मूवमेंट शो कर सकते हो, एंड वन टैप मारने से थोड़ा सा पहले भी आप लोग काफी ज्यादा मूवमेंट शो करते हो, लेकिन गाइस जब आप वन टाइम मारोगे ना तो आप लोगों को कोई भी मूवमेंट शो नहीं करनी, और ना ही क्रोशियर वर्शियर को छेड़ना है, आप लोगों को सिर्फ अपने फायर बटन पे ध्यान देना है, जिसके कारण आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी एंड आपके हेडशॉट लगने के चांस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे आप लोगों को एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर बॉडी शॉट मारो या फिर हेडशॉट मारो, मुझे नहीं पता भाई सब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। ओके दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स को, जो कि है हाउ टू एम एंड ड्रैग। दोस्तों ये जो टिप्स है ना आप लोगों को एकदम हैकर बना देगी, अगर आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो। देखिए दोस्तों, आईफोन यूजर जो होते हैं ना उनका सेंसिटिविटी मतलब कि बहुत ज्यादा हाई होता है एंड उनको डीपी लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। एंड्रॉइड यूजर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनको हाई सेंसिटिविटी लगाने के लिए डीपीआई की रिक्वायरमेंट होती है, एंड अगर वो डीपीआई लगा लेते हैं तो डीपीआई लगाने के बाद वो आईफोन वाले यूजर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं,
लेकिन जो बंदे कम DPI को यूज़ करते हैं उनके लिए मैं एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए ना आप लोगों को जो अपना एम होता है उसको इनिमी के साइड में रखना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। अगर आप लोग अपना एम इनिमी के शोल्डर के बराबर रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप लोग चेस्ट के बराबर भी रख सकते हो, इससे आप लोगों को अच्छे खासे हेडशॉट मिल जाएंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना है। हाँ दोस्तों, जिस तरीके से मैं अपने फायर ब्रांड को रोटेट कर रहा हूँ, अगर आप लोग उस तरीके अपने फायर ब्रांड को रोटेट करोगे तो आप लोगों के हेडशॉट लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।